इस कायनात, इस ब्रह्मांड में तारों की हजारों ग्रुप्स हैं जो गैलेक्सीज कहलाते हैं। हमारी दुनिया जिस गैलेक्सी में है उसे मिल्की वे यानी आकाश गंगा कहा जाता है। मेरे पति जो एक स्पेस साइंटिस्ट थे कहा करते थे कि आकाश गंगा की तरह और भी अनगिनत गैलेक्सीज हैं जिनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन भी हो सकता है। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, दूसरी दुनियाओं में जीवन की खोज। उन्होंने तरह तरह के गैजेट्स बनाए थे जिनके जरिए वो डाटा यानी इंफॉर्मेशन जमा किया करते थे और स्पेस में साउंड सिग्नल्स भेजा करते थे। उनका कहना था कि आवाज कभी नहीं मरती और हमेशा ब्रह्मांड में लहरों की शक्ल में घूमती रहती है। उन्हें यकीन था कि किसी न किसी और दुनिया में कभी न कभी कोई उनके साउंड सिग्नल जरूर सुनेगा और जवाब जरूर देगा। एक शाम सोनिया जी आई। क्या हुआ? ये देखो उनका जवाब आ रहा है। दे आर रिस्पॉन्डिंग। मगर ये आवाज़ें? मैंने ओम शब्द को लेके इस ऑक्टोपैड के जरिए एक पैटर्न बनाया और इस पैटर्न को कंप्यूटर पे डिजिटली कन्वर्ट करके मैंने स्पेस में साउंड सिग्नल्स भेजे हैं। और ये देखो सोनिया, दूसरी दुनिया से किसी का जवाब आ रहा है। ये देखो, मैं कामयाब हो गया। आई अचीव द ब्रेकथ्रू सोनिया, आई अचीव द ब्रेकथ्रू। हमें जाके स्पेस सेंटर को इन्फॉर्म करना चाहिए। So Dr. Mehra, they talked to you? So did they say hello and asked you how the weather was on Earth? I'm sorry sir, but this is not a joke. Dr. Mehra, ये रिसर्च सेंटर देख रहे हैं आप? सालों से हम इसी रिसर्च में लगे हुए हैं और उन्होंने आपको कांटेक्ट किया? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैंने भी अपनी सारी जिंदगी इसी खोज में बिताई है। तरह तरह के साउंड वेव्स भेजे हैं और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब मैंने ओम शब्द के साउंड को अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग नोट्स में भेजे तो हो सकता है वो। What is this ohm? Ohm he is talking about? Ohm is a Hindu religious word. Which has all the vibrations of the universe. Oh, so they also believe in your religion as well. Listen, Dr. Mehra, daydreaming is a very bad habit. Believe me, sir. I can prove it to you. You are wasting our time, Dr. Mehra. Please go home. कहते हैं दिन में सपना देखना बुरी आदत है। ये भी नहीं जानते हर डिस्कवरी हर खोज पहले एक सपना ही होता है। तुम दिल छोटा मत करो संजय। दुनिया हर नई बात को पहले ठुकराती है बाद में मान लेती है। हमारे साथ भी यही होगा। संजय, क्या यह हो सकता है कि इस ब्रह्मांड की वो दुनियाएं जो एक दूसरे से करोड़ों मील दूर हैं कभी मिल पाएंगी? क्यों नहीं हो सकता है? जिस तरह हम चांद पे गए हैं, मार्स और जुपिटर पे स्पेस शटल्स भेजे हैं, उसी तरह वो भी हमारी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए कई बार उड़न तश्तरी यानी UFOs देखे गए हैं। ये लाइट्स ऑन ऑफ क्यों हो रही है?
ये क्या हो रहा है? संजय, वो देखो। I can't believe it, Sonia. उन लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। But they have come. एक पल में जिंदगी भर के सारे सपने टूटकर बिखर गए। दूसरी दुनिया को खोजने वाला खुद पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया। उनके बाद मैं कनाडा में किसके सहारे रहती? रोहित भी छोटा था, इसलिए यहां अपने घर आ गई। मिसेस मेहरा, आपकी बातें सुनकर मुझे पूरी केस हिस्ट्री समझ में आ गई है। ये रोहित के दिमाग की एक्सरेज हैं। ये देख रही हैं आप, ये सफेद सा दाग, इसे ग्लाउसिस कहते हैं, जो दिमाग पर चोट लगने की वजह से होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, रोहित के साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। हुआ मिसेस मेहरा, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था और जिस तरह आप अपने पेट के बल गिरी थी, तो बच्चे के दिमाग पर चोट लग गई जो उस वक्त आपके पेट में था, और उसके दिमाग का ये हिस्सा डैमेज हो गया था। यही कारण है कि उसकी मेंटल ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई में कमजोर है। वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल के बच्चे जितना है। I'm afraid, जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा? इलाज है, ब्रेन का ऑपरेशन। लेकिन लेकिन क्या? इस केस में कामयाबी की चांसेस बहुत कम है। अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो पूरी बॉडी को पैरालिसिस हो सकता है, या फिर डेथ। नहीं, मैं पहले सब कुछ खो चुकी हूं। अब रोहित के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं। मैं उसे नहीं खो सकती। वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल के बच्चे जितना है। जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। देखो क्या हालत बना दिया है घर का। मैं पुलिस में हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। आईना कान तोड़ा ना तो लक में डाल दूंगा, समझा? बात करते हैं। लक लानत। अरे रोहित, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा यार, फिर से कांच तोड़ दिया है तू। कांच तोड़ता हूँ पर सॉरी भी तो बोलता हूँ। मेहरबानी करता है क्या सॉरी बोलता है? सॉरी सुनते सुनते कितने बड़ा से निकले गए। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी नीचे आता हूँ फुटबॉल के। रोहित अभी कोई डरना नहीं। आने दो। अरे झूले लाल देखो, अरे मेरी क्या हालत बना दिया है। अरे ऊपर का भी कांच तोड़ दिया, नीचे का भी कांच तोड़ दिया। अरे छा तो करे यार, अरे धूप अंधड़े, बरसात अंधड़े, धूल मिट्टी अंधड़े, हवा अंधड़े, हम बाढ़। समझ गई अंकल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपके सारे खिड़कियाँ सब ठीक कर दूंगा। बड़ा अभी और कितना बड़ा होगा साईं? तार का झाड़ तो हो गया है, अभी एफएल टावर बनेगा क्या? देखिए आप हमारे दोस्त की इंसल्ट मत कीजिए, हम आपके सारे के सारे गाज वापस लगा देंगे। हाँ तो लगाओ ना। पहले दीजिए 100-100 के 5। 100-100 के 5 है? क्यों? नए गाज लाने पड़ेंगे ना, लाइए पैसे। हाँ, लाइए, 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 ल
चाहिए। अरे मुआ बदमाश पुलिस से पैसा मांगता है, भागो नहीं तो मारता हूँ, ब्लैकमेल करता है। रोहित जल्दी कर बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है भगवान, आज मैं नई क्लास में जा रहा हूँ, 7th स्टैंडर्ड। जरा मेरा ख्याल रखना भगवान, प्लीज भगवान। अरे माँ तुम कभी स्कूल नहीं गए क्या? नई क्लास में पुरानी बुक्स लेके थोड़ी जाते हैं, स्कूल में 7th स्टैंडर्ड की नई बुक्स मिलेंगी। तुम 7th स्टैंडर्ड में नहीं जा रहे हो? क्यों, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। तुम फेल हो गए हो। मैं फिर फेल हो गया? हाँ। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, वो टीचर बहुत खराब है माँ। मैं इतना पढ़ता हूँ, सब कुछ याद करके जाता हूँ, फिर भी वो मुझे फेल कर देता है, बाकी सबको पास कर दिया। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, फिर किसको फेल करेगा? नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा। इस बार और दिल लगा के पढ़ना रोहित, पास हो जाएगा। नहीं, मेरे क्लास में सब नए लड़के आएंगे माँ, वो फिर मुझे छेड़ेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, कोई लंबू बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फेंक दो ये बुक्स, नहीं चाहिए मुझे। आप ये कैसी बातें कर रही हैं मिसेस मेहरा? रोहित को प्रमोट करके 7th पे भेजना तो दूर की बात है, उसे तो स्कूल में भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए अलग स्पेशल स्कूल होते हैं। इस शहर में ऐसे तो कोई स्कूल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना ट्रांसफर मैं दिल्ली करवा लूँ, जहाँ रोहित जैसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स हैं। और जिस बैंक में मैं काम कर रही हूँ, उसके चेयरमैन ने मुझसे वादा भी किया है, बस बस एक साल की बात है सर, प्लीज एक आखिरी एहसान और कर दीजिए। टीचर बच्चों पर एहसान नहीं करते, और फिर इस तरह तरक्की देने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। फादर मैं जानती हूँ कि रोहित वो कभी नहीं बन पाएगा जो मैं चाहती हूँ, जो उसके पापा चाहते थे, लेकिन फिर भी उसकी खुशी के लिए, प्लीज उसकी हंसी के लिए। ओके मिसेस मेहरा, ये आखिरी बार। यस बॉयज, अगर एक्स बराबर है 12 के और वाई बराबर है 8 के, तो एक्स प्लस 3 वाई कितना हुआ? जल्दी से अपनी आंसर बुक में लिखकर दिखाइए। सर। यस रोहित, एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू कितना हुआ? शो मी योर आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। रियली सर? मगर अगली बार तुम्हारा हाथ क्लास में सबसे पहले उठना चाहिए।
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। ओ ये बताओ जरा, हम पंखों बिना जाएंगे कैसे दूर वहां। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। I night, I night, I night, एक night, एक night, एक night, चुभ night, चुभ night, चुभ night. देखते जाओ तुम ऐसा भी एक दिन, एक दिन तो जरूर आएगा हमसे इस दुनिया में, एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा। दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा। दिया और पति बात ही होता है, सदा सुहागन रहो। हेलो सर, डोसा ठीक से नहीं बना इसलिए मेरे पर हाथ उठाया इसने। उसने उपमा में नमक नहीं डाला। अगर मैंने तेरी पत्नी को मार दिया तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? आदमी और औरत एक साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते। वो मत फेंकना। अनोखा रिश्ता आज रात 9 बजे मैक्स HD और सोनी लिव ऐप पर। या That's me, a sprinter, a waitress, a cheerleader. I keep trying new recipes, but there's one secret recipe I swear by. Never run a restaurant like you own it. That's me, in action. Mia. काय घडतंय आपल्या आजूबाजूला? लव स्टोरीज पण एका कुटुंबाची, हम बने तुम बने, सोमवार ते शनिवार रात्री 10 वाजता सोनी मराठी वर, विणूया अतूट नाती। मिल्टन कुछ नया सोचते हैं। डी मोंटी कॉलोनी के बारे में सुना है?
जो भी वहां गया वो जिंदा बच नहीं पाया। वो मार देगा। कितनी बार कहा कि उस घर में नहीं जाते। डीमन की कॉलोनी कल दोपहर 1:30 बजे मैक्स एचडी और सोनी लिव ऐप पर। सर क्या ला रहा है बे? 6 फुट का होकर इन 1.5 फुटियों के साथ घूम रहा है, शर्म नहीं आती? चल हट सामने से। हम पहले आए थे। हाँ। तो हम ही पहले जाएंगे। हाँ। तुम हटाओ अपनी बाइक। अपनी लाइफ में रिवर्स गियर नहीं है लल्लू। हम लगा दें? रिवर्स में ही घूमते रहोगे। बहुत बोलने लग गया है ये राज। ए रोहित, ये कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंक रहे, आज ही इंजेक्शन लगा ही देते। फॉर्मूला नंबर 320। गुड मॉर्निंग। आप लोग अगर बुरा ना माने तो पूछो, इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे थे? नो एंट्री में एंट्री करते हो, डिसेंट्री हुआ है क्या? सर वो हमारी बाइक्स गिरा के भागा है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ट्रैफिक के रूल्स तोड़े। सुखवानी, इन लोगों के चालान बनाओ। जी। एक्सक्यूज मी सर, शायद आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। जानता हूँ, आप यहाँ के कलेक्टर हरबंस सक्सेना साहब के साहबजादे राज हैं। सुखवानी, इन्हें डबल फाइन लगाओ। अच्छा जी। और ये न्यूज लोकल पेपर में भी डाल देना। सबको मालूम होना चाहिए जिस एरिया का इंचार्ज इंस्पेक्टर खान होता है वहां कोई मनमानी नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कलेक्टर का बेटा हो या खुद कलेक्टर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। गुड डे। ओ कर्नल, कर्नल के बच्चे बाहर निकल। ओ ब्लडी हरवंस, यार तुझसे बड़ा डफर आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मुझे स्टेशन लेने नहीं आया तू? अरे मल्होत्रा, तुझसे ज्यादा बेवकूफ और इडियट आदमी दुनिया में और कोई नहीं होगा। फैक्स करता है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है ये नहीं बताता। मैं तुझे रिसीव करने के लिए कहाँ आता है इडियट? कुछ तो लिहाज कीजिए, कोई गालियों से स्वागत करता है क्या? अरे भाभी, ये डफर ऐसा ही है, अब देखो ना खड़ा हुआ है, गले भी नहीं मिल रहा। मेरे यार, मेरी जान, नाइस टू मीट यू। रिटायरमेंट के बाद अपने दोस्त के साथ बाकी जिंदगी गुजारने चले आए। और इस दोस्ती का जश्न 1 साल तक मनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत होगी एक शानदार पार्टी के साथ जो आज रात हमारे बंगले में होगी। थैंक यू हरवंस, थैंक यू यार। भाई साहब आके बैठिए तो सही। आइए आइए आइए। ओए 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 मल्होत्रा के बच्चे, तेरी बातों में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात तो पूछना ही भूल गया यार। वो हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, हमारी बिटिया कहाँ है भाई? भाई साहब, आपकी वो छोटी सी गुड़िया अब बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा। पर हिंदू, वो है कहाँ? हेलो,
लेट क्यों हो गया? बस निकल जाती तो। ओए, लेट क्या हुआ? अभी बस आने को 5 मिनट बाकी है, 20 मिनट का रास्ता है, 3.5 घंटे की फिल्म है टंटना। 3.5 घंटे की पिक्चर? हाँ, आजकल लंबी लंबी फिल्मों का फैशन है। ए, बस आ गई। बस चली गई, पिक्चर निकल गई, छुट्टी बेकार हो गई टंटना। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मैं शहर में नहीं आई हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शांति विला कहाँ है? शांति विला? हाँ, शांति विला उधर वहाँ से। नहीं, इधर। शांति विला तुम? अबे, गाड़ी खाली है, लड़की बोली बाली है, अपने काम आएगी, सिनेमा हॉल ले जाएगी। चलो चलो, हम आपको लेके चलते हैं। चलो। ग्रेट। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू ऑल। By the way, मेरा नाम निशा है, तुम्हारा नाम क्या है? राइट राइट राइट। अच्छा बताओ, यहाँ देखने की कौन कौन सी जगह है? बहुत ही। सनसेट पॉइंट, चाइना बीच, चिड़ियाघर, लाल बाजार, टी गार्डन। नो आई मीन, यहाँ नाइट लाइफ कैसी है? रात को लोग क्या करते हैं? सोते। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सीरियसली, यहाँ कोई नाइट क्लब या डिस्को नहीं है? आए ना, तो वहाँ बच्चे नहीं जाते। बच्चे यह शांति विला तो नहीं है, ये सिनेमा हाउस है। सिनेमा? मगर मुझे तो पता है आपको शांति विला जाना है और हमें सिनेमा हाउस पिक्चर देखने। वैसे शांति विला भी दूर नहीं है। हाँ, पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट 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 लेफ्ट। आ गया शांति विला। ओह, तो तुम लोगों को लिफ्ट चाहिए थी? यस आंटी। आंटी, थैंक यू आंटी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बच्चों के साथ मिलके लोगों को बेवकूफ बनाते हो और ऊपर से हंसते हो। मैं आप थोड़ी हंस रहा हूँ, मैं तो आपकी नाक पे हंस रहा हूँ। जब आप चीखती है ना तो ऐसी हिलती जैसे फूके में से हवा निकल रही। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रोहित, कोई तुमसे मदद मांगे तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उल्लू बनाना चाहिए। पिक्चर निकल जाती तो। उस दिन मैंने तुम्हें गीता में से पढ़कर क्या सुनाया था? हाँ, जो दूसरों की सहायता करते हैं, भगवान उनकी सहायता करने में हर पल तैयार रहते हैं। सुनाया था ना? सुनाया तो था, भूल गया। प्रॉमिस करो कि तुम जब भी उस लड़की से मिलोगे, माफी मांगोगे, सॉरी बोलोगे। बोलूंगा। ये क्या है माँ? तुम्हारे पापा का बनाया हुआ कंप्यूटर है। पापा ने कंप्यूटर बनाया था? अपने बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर के जरिए वो उन लोगों से बातें करते थे जो दूर तारों में रहते हैं। तारों में लोग रहते हैं माँ? हाँ। माँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती मगर होती हैं। क्या पार्टी? क्या मैंने ठीक कहा ना? बहुत अच्छे। अमेजिंग। यार हरवंश, तेरे जोक्स आज भी उतने ही मजेदार। इतने वर्षों में कुछ भी नहीं बदला। क्यों नहीं बदला डैड? राज को देखिए, पहले इतना सा था और अब बिल्कुल खंबा हो गया है। आई एम श्योर किसी ने इसकी टांगे खींची होगी। ए, लुक लुक लुक, हू शॉकिंग। पहले ये भी तो इतनी छोटी सी मोटी सी हुआ करती थी, हर बात मम्मी मम्मी कहती रहती थी। राज, मैं, अरे भाई, इतने सालों बाद मिले हो, मिलते ही झगड़ा शुरू कर दिया। कम ऑन मॉम, झगड़ों से तो दोस्ती गहरी होती है, राइट? राइट। That is Rahul. Hey Rahul. Hi. Monty. Hello. Hi. Kimmy. Hi. girlfriend. No, only a friend.
अरे बाबा टाइम पर पेट में अन्न जावे तो साईं सिंधी झूले लाल का गुण गावे रे बाबा। चलो ऑर्डर। खाने का उमड़े भाई। क्या कटा पड़ा बकरा या मुर्गी भाई? पापड़ किधर है साईं? अरे ये तो लाइन लगी पड़ी है, तेरे पीछे आता हूँ। ये बकरा है क्या? हाँ जी। तो मैं खाता हूँ, डालना यार। हाँ डाल बराबर है। सबा से अरे भाई जरा खाना दो। अरे अरे अभी तो प्लेट भर के ले गया था। अरे वो तो नीचे चला गया। नीचे किधर भाई? इधर। अरे बाप रे, कमाल का पेटू है। अरे देश का 30 करोड़ मानस गरीबी की रेखा के नीचे है। एक मुट्ठी चावल देखने को नहीं मिलता है, तो दो दो प्लेट खाता है। तो तेरे बाप का क्या जाता है? बात तो सच्ची बोलता है। अरे भैया और डालो ना। बिट्टू और डाला। अरे देता हूँ ना। अरे बाप रे निकल निकल। आई थिंक वी शुड जस्ट लेट द बॉयज ड्रिंक। मुझे तो बहुत भूख लगी है। या बिट्टू ये ना। You? Hala. Oh my God! Somebody got him! My pakda usse! Catch him! Stupid idiot! समझता क्या अपने आप को? मेरे बालों का बस एक बार मुझे मिल जाए, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। क्या कर रहा है अभी? क्या चुरा रहा है? नहीं नहीं, मैं तो सॉरी बोल रहा था। क्या यदगराज, ये सॉरी कैसे बोलता है सीट पे च्युइंगम लगा के? नहीं। ओह, च्युइंगम लगा रहा था? हाँ राज, राज he's the same boy, यही है वो कल रात वाला। साले बहुत पर निकलना है तेरे। उस दिन हम लोगों से पंगा लिया, अब लड़कियों को भी छेड़ना शुरू कर दिया तूने। राज यही है वो जो मुझे घर दिखाने के बहाने पिक्चर हॉल ले गया और इसने इसने मेरे सर पे खाना भी गिराया। वो तो कुछ नहीं है निशा, आज जो ये करने जा रहा था उसकी वजह से तो बाल काटने पड़ते। वो देखो च्युइंगम। माय गॉड, इतनी भोली सूरत और इतना बदमाश, इसे ना इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए इसे पुलिस के हवाले करके क्या फायदा, जाने देते हैं इसे। क्यों राज? चल भाग भाग भाग। राज इसे जाने क्यों दे रहे हो? He should be taught a lesson. बहुत चैंपियन हो गया ना स्कूटर चलाने में।
सच पूछो तो निशा, उस पागल का कोई कसूर नहीं। तुम्हें देखकर तो कोई भी पागल हो सकता है। Really? फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो मेरे साथ? अरे नहीं बाबा, कभी कभी तो मुंह से सच निकल जाता है। अब वो कोई बदमाशी नहीं करेगा, सॉलिड पनिशमेंट मिल गई है उसे। Well, he deserves that. No, he deserves to be amongst you. He deserves to be educated like you. He deserves to be blessed with an adult mind like you all. मगर मेरा बेटा तुम लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोगों जैसा नहीं बनाया है। वो जवान तो है, मगर उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है। एक भोला भाला मासूम बच्चा जो अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझता। तुम लोगों ने उसे बुरी तरह मारा पीटा, उसका स्कूटर तोड़ दिया, ये समझकर कि वो एक लड़की को छेड़ रहा था। वो तुम्हें छेड़ने या परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे माफी मांगने के लिए आया था। ये देखो, तुम्हें सॉरी कहने के लिए आया था वो। खैर, तुमसे तो मैं शिकायत कर भी नहीं सकती, क्योंकि तुम इस शहर में नहीं आई हो। मगर ये राज, ये तो सब कुछ जानता है। कभी ये भी रोहित की क्लास में था। ये नॉर्मल है, इसलिए आगे निकल गया। मेरा बेटा वहीं के वहीं रह गया। But you know something? मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि अगर नॉर्मल लोग तुम जैसे होते हैं तो मुझे खुशी है कि मेरा बेटा रोहित अब नॉर्मल है। मुझे खुशी है। रोहित, तुम इस कंप्यूटर क्लास में क्या कर रहे हो? सर, रोहित ने भी ऑप्शन में कंप्यूटर लिया है। शट अप, जाकर अपनी सीट पे बैठो। मैं भी कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ सर। कंप्यूटर सीखने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, दिमाग की। और तुम तो इतने होशियार हो कि अभी तक सेवेंथ में ही पढ़े हुए हो। मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे सर, उनके पास कंप्यूटर भी था। मैं अपने पापा के जैसे बनना चाहता हूँ सर। तो फिर जाओ और अपने बाप से आकर सीखो। वो इस दुनिया में नहीं है सर। तो जिस दुनिया में है उस दुनिया में जाकर सीखो, पर मेरा दिमाग मत खाओ। जाओ यहां से, आउट, आउट। साइकिल मैंने लाई हूँ माँ। हाँ, तेरे लिए। थैंक यू माँ, बहुत अच्छी है माँ। क्या साइकिल है माँ, A1 साइकिल। थैंक यू माँ। थैंक यू इसे कहो, ये लाई है तुम्हारे लिए। मैं थैंक यू भी नहीं बोलूंगा और सॉरी भी नहीं बोलूंगा। नहीं चाहिए साइकिल। रोहित, देखा तुमने, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि गलती मुझसे हुई है, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम और कोई शरारत करने नहीं बल्कि सॉरी बोलने आए हो। चलो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं सॉरी बोलती हूं। सॉरी। और मैं ही नहीं बल्कि राज, मोंटी और वो सारे लड़के भी तुम्हें सॉरी बोलेंगे, और आज के बाद तुम्हें कोई नहीं सताएगा। और किसने सताया तो?
तो मैं और तुम मिल के उनकी पिटाई करेंगे। तुम भी? अब हम दोनों दोस्त हो गए हैं। सच? मुझ सॉरी। इट्स ओके। अब तुम सब भी रोहित को सॉरी बोलो। सच स्वीट। सॉरी रोहित। सॉरी। हाय रोहित। हाय। सॉरी रोहित। इट्स ओके। देखा मैंने क्या कहा था? अब तो खुश हो ना? हाँ। और तुम लोग भी सुन लो, आज के बाद नो झगड़ा नो मस्ती, सिर्फ दोस्ती। Hey, come Nisha, let's dance. Rohit mein bhi aaye. Rohit, let's go and dance. Nahi, nahi. Mujhe dance nahi aata. Isme aane jaisa kya hai? Body ko aise pakadne ka aur music pe hilane ka. Boss. Nahi, mujhe dar lagta hai. Arre, isme darne wali kaun si baat hai? Main tumhe sikhati hu na. Nahi, mujhe sikhna hi nahi. Arre, tumhe to paseena aa raha hai. हाँ, थोड़ा सा। हाँ, एक कोक। एक कोक। लो, इससे तुम्हारा डर भी निकल जाएगा और पसीना भी सूख जाएगा। नहीं, अभी मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं, थोड़ा सा, नहीं। थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। मैं तो नहीं चाहती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पियो, पियो। फिर हम डांस भी करेंगे। What nonsense is this? तुम लोग इसे शराब पिला रहे हो? थोड़ी बकाड़ी पीने से क्या होगा? ये कोई छोटा बच्चा थोड़ी है। मैंने तुम लोगों से क्या कहा था कि रोहित को तंग मत करना, मगर तुम लोग, shame on you guys. चलो रोहित। चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, और फिसल गया। ये तूने क्या किया? नजर ये किसकी हमें लगी के चलते चलते फिसल गए। हंसी हंसी में ये क्या हुआ, हम बदल गए। क्यों बदल गए? हम बदल गए।
इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया। अच्छी हो इसलिए क्यों अच्छी हो ये बताओ तुम, क्यों बताऊं मैं, तुम इतने भोले हो किस लिए, तुम इतनी अच्छी हो इसलिए क्यों अच्छी हो ये बताओ तुम, क्यों बताऊं मैं, कुछ बताओ क्यों बताऊं मैं। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहां मैं किधर चली, अरे फिसल गई ले तेरे संग हो चली। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया। मैं तेरे संग हो चली, ये तूने क्या किया, मैं तेरे संग हो चली। अरे अरे सुघवानी भाई साहब, क्या बहन जी ये क्या पागलपन है, ये सब आपके बेटे के करतूत है ने? इतने बड़े से टूटे कांच के घर में रहने की आदत पड़ गई है, हवा आता था, पानी आता था, धूप भी आता था, जब से कांच लगाया है ना गर्मी होता है, दमक उठता है। अरे मगर कांच तोड़ने की क्या जरूरत है, खिड़की खोल के भी तो रह सकते हैं भाई साहब। अरे बात तो मेरे दिमाग में आया नहीं, कितना अच्छा बात बोला बहन जी, लख लाने से मेरे पे ये पहला सिंधी है जो अपना खुद का नुकसान किया है। यहाँ बोलने को तो मैं नौकरी करता हूँ, मगर इस गैरेज का शहजादा हूँ मैं। स्केच को सॉरी बोलने को बोल। हम जानता है हम गलत घोड़े पे पैसा नहीं लगाया, स्केच घोड़ा नहीं है, स्केच की चाल चीते की है, नजरबाज की और दिलेरी शेर की है। स्केच 16 सितंबर रविवार रात 8 बजे मैक्स HDO सोनी लिव ऐप पर। लो शुरू हो गया इनका मॉर्निंग वॉक, रिटायर करना पड़ेगा। ऑनलाइन बम्पर इलेक्ट्रॉनिक्स चलते हैं। मेरे नादान दिल, अमेज़न पे ब्रांड वारंटी है, डिलीवरी शेड्यूल यानी जब तुम चाहो, और डैमेज फ्री, यहाँ 48 आवर्स में इंस्टॉलेशन की गारंटी है। जब अमेज़न पे मिले होम अप्लायंसेस पे ब्रांड वारंटी, 48 आवर इंस्टॉलेशन, शेड्यूल्ड और डैमेज फ्री डिलीवरी, तब दिल भी खुश दिमाग भी खुश। आवडतो मला दुसरीच कुणी, साला एक सरळ आहे त्याला बनणं टू मेनी, दोघा तीन बाजू म्हणजे तयार होतोच ट्रायंगल, तिघे गुंतले तिघा तरी स्टेटस असूनही सिंगल, बाकी काय माहित नाही नक्की बनथिंग।
कोपावर्ड बाय लॉरियल पॅरिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्ले सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 7:30 सोनी मराठी वर विणूया अतूट नाती. तुम्ही ना रामपूर के स्पेशल पकोड़े खिला कर लाते. एसिडिटी लिक्विड अब तो टाइम लगेगा. लो इनो ये काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड्स में ताकि हर पल चलता रहे नॉन स्टॉप. इनो जियो लाइफ नॉन स्टॉप. मैं तेरा चीनी तू मेरा उस्ताद चल चले बगदाद. ये बगदाद नहीं है चल चले बगदाद. अलादीन ये तुम्हारा दोस्त कौन है? जिन 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 इस जिन की असलियत अब मैं कैसे छुपाऊं? अलादीन आज रात 9 बजे सोनी सब पर. शर्मा और उसके बच्चे को जयलक्ष्मी ने बुरी तरह नदी किनारे मार डाला था. ये है शर्मा और जयलक्ष्मी. पता नहीं वो शैतानी खूबसूरती और कितने लोगों की बलि लेगी. इतने जन्मों से मुझे तेरा ही इंतजार था. शैतान 8 सितंबर शनिवार रात 8 बजे मैक्स HD और सोनी लिव ऐप पर. सच? हाँ, निशा तेरी गर्लफ्रेंड बन गई है. कैसे? उसने तुझे साइकिल प्रेजेंट की. हाँ. और फिर तुझे क्लब भी लेके गई. हाँ, मेरे साथ डांस भी किया. फिर घर पहुँचा दी और बोली गुड नाइट रोहित. हाँ. रोहित गुड नाइट किस दी? नहीं तो क्या? फिर निशा रोहित की गर्लफ्रेंड कैसे बनी? क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तब बनते हैं जब दोनों किस करते हैं. तो अब इसे क्या करना चाहिए? मेरी मम्मी बिल्कुल सही कहती है, ये सब मर्द एक नंबर के बुद्धू होते हैं. उन्हें इतना सा भी नहीं मालूम कि किस करने से पहले थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ाई जानी चाहिए. ओए, मैं तेरी माँ से मिलना चाहता हूँ. वो क्या हम सब मर्दों को बुद्धू समझती है? जी हाँ. रोहित तू एक काम कर, उसे एक अच्छा सा प्रेजेंट दे दे. छे, प्रेजेंट देने के लिए पैसे क्या है? माँ तो 1 ही रुपए देती रोज. अरे यार रोहित, तो निशा को फूल तो दे सकता है. निशा बेटा, तुम किसी लड़के के बारे में बता रही थी ना जो दिमागी तौर पर अभी तक बच्चा है. हाँ जी. देखो इंटरनेट पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है. इसमें लिखा है कि ऐसे लोगों के साथ बड़े प्यार और हमदर्दी से पेश आना चाहिए, यही उनका इलाज है. क्या कर रहे हो? ऊपर आओ. ये फूल क्यों छुपा रहे हो? छुपा नहीं रहा, तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया. ओह हाउ स्वीट, थैंक यू. अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो? वो मेरे दोस्तों के ना, वो लोग बोलते हैं कि अगर लड़की लड़के को किस करे तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते. तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही तो हूँ. सच? मुझ. निशा. हाँ पापा. अच्छा मैं चलता हूँ. नहीं नहीं अंदर आओ ना, मम्मी पापा तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे. पापा मामा ये रोहित है. हेलो रोहित. हेलो सर. रोहित कुछ पियोगे? टी कॉफी? बॉर्नविटा. बॉर्नविटा? बॉर्नविटा? बॉर्नविटा. हाँ, चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नविटा बहुत जरूरी है. मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ लेकिन अपने क्लास में सबसे लंबा हूँ बॉर्नविटा की वजह से. सॉरी रोहित, बॉर्नविटा तो नहीं है. हैला नहीं है, बॉर्नविटा तो होना चाहिए. हम आज ही मंगाएंगे और पियेंगे भी. कट. साहब जी, कलेक्टर साहब का फोन है. हाँ उनसे बोलो मैं आ रहा हूँ. हाँ निशा बेटी, जरा ये पेज सेव कर देना, मैं अभी आता हूँ. ओके. तुम कंप्यूटर जानती हो? और ये भी जानती हूँ कि तुम भी कंप्यूटर सीखना चाहते हो. तुम सिखाओगी मुझे? ऑफ कोर्स. तो फिर चलो मेरे घर, कंप्यूटर है मेरे पापा का. स्टार्स? हाँ, मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. वो तारों में रहने वाले लोगों से बातें क्या करते थे? अच्छा,
और ना देखा। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। एंटर। ये क्या है? पता नहीं। लगता है तुम्हारे पापा का कोई प्रोजेक्ट है। देखो प्रेस बी फ्लैश हो रहा है। ये तो कुछ नहीं हो रहा है। इसमें भी बी लिखा है, देखो। इसको इसमें कनेक्ट करके देखते हैं। हाँ। गुड। वाओ। प्रेस सी। अमेजिंग। प्रेस एफ। प्रेस ई। अरे ये तुमने कैसे बजाई? ये ट्यून तो मुझे आती है, माले मुझे सिखाया था, बताओ। रोहित मुझे भी सिखाओ ना। हाँ इजी है, हाथ बताओ।
लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया। हाँ कौन मिल गया, कोई मिल गया। इस खेल में स्कोर हो गया है 60-58। भाई बहनों ब्लू बुल्स के खिलाड़ी ने पास दिया लेकिन कसौली टाइगर्स ने झपट लिया है। कसौली टाइगर्स के राज सक्सेना आगे बढ़ रहे हैं, बॉल को लेकर हाफ लाइन क्रॉस किया। सॉरी आई एम सॉरी सॉरी दिस इज टू बैड। सामने क्या हो रहा है, सुंदर सी लड़की आई कोर्ट के बीच में और लड़के को लेकर निकल गई। भाई और बहनों लड़के को लड़की लेकर निकल गई, बॉल को खिलाड़ी लेकर निकल गए। समझ नहीं आ रहा किस मैच का आंखों देखा हाल बयान करूं। लकी बॉय। एनीवेज राज सक्सेना बॉल लेकर आगे बढ़े, राज सक्सेना ने पास दिया और ये बॉल एक बार फिर से ब्लू बुल्स के खिलाड़ी ने छीन लिया। ब्लू बुल्स के कप्तान आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये स्कोर 60-60 की बराबरी पर मैच बहुत एक्साइटिंग होता चला जा रहा है। और इस वक्त आखिरी चंद सेकंड्स का मैच रह गया। दोस्तों मैं देख रहा हूं कसौली टाइगर्स ने एक बार फिर से मैच को शुरू किया, ये पास अपने एक और खिलाड़ी को दिया। जनता चीख चीख के कसौली टाइगर्स को एनकरेज करती चली जा रही है और ये कसौली टाइगर्स के खिलाड़ी ने बॉल उछाल दी है राज सक्सेना की तरफ और राज सक्सेना टीम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है रोहित? मैं भी बास्केटबॉल खेलूंगा, चैंपियन बनूंगा, फिर लोग मेरे लिए भी ताले मारेंगे। ओह, जैसे निशा मेरे लिए ताली बजा रही थी। तुम अकेले कैसे सीखोगे? आओ हम सिखाते हैं तुम्हें।
तुम सिखाओगे मुझे? हाँ हाँ, हम सिखाएंगे तुम्हें। Come on boys, let's teach Rohit basketball. ये बोल ले। आजा बीच में। ये ले। क्या कर रहा रोहित? बॉल ले यार। अरे अरे, सॉरी सॉरी, लगी तो नहीं? ना ना, ओके ओके, कुछ नहीं हुआ, आएगा भी आएगा आएगा। सीखेगा नहीं तो निशान ताली कैसे बजाएगी? निशा से मिलने मुझसे टकराया था, आइंदा से देख के चलना। अंडरस्टैंड? वहां कहते कि पाप करने वाले को यही सजा मिलती है, पर मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे क्यों सजा मिलती है? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करो तो कौन करेगा? तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति, थोड़ी शक्ति मुझे दे दो भगवान, प्लीज भगवान, थोड़ी शक्ति मुझे दे दो भगवान, प्लीज भगवान। रोहित, रोहित, जी पूरे शहर की लाइट गई है, काला काला दिखता पड़ा है। इसको क्या हुआ सुखवानी? ये तो बिजली से नहीं चलती ना। सर जी, लगता तूफान आने वाला है, बड़ा भयंकर तूफान।
दर्जी देखो। अरे बाप रे, सीन तुम्हारे लिए तैयार है, बस तुम एक्शन कर दो और प्रपोज कर दो। चुपचाप हमारे साथ चलो। तुमने मुझे प्यार करते हुए देखा, तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था। कॉमेडी करते हुए देखा है मगर एक्शन करते हुए देखा है क्या? नहीं तो अब देख लेना। अनोखा रिश्ता आज रात 9 बजे मैक्स HD और सोनी लिव ऐप पर। गुडनेस ऑफ ऑलिव ऑयल अब रोज के घर के खाने में। बिल्कुल अपना ये ऑलिव एक्टिव, इसका स्पेशल साई फ्राई फॉर्मूला ऑलिव ऑयल और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ बनाए रोज का खाना और भी हेल्दी। ऑलिव एक्टिव, द अल्टीमेट कुकिंग ऑयल। नमस्कार महाराष्ट्र, आज पर्यंत तुम्ही आम्हाला वेगवेगळ्या नाटक चित्रपट मालिकांमधून पाहत आला, पाठीवर नेहमीच कौतुकाची थाप दिली, आता वेळ आली आहे तुमच्या हृदयात स्वतःच स्थान निर्माण करण्याची। आणि यासाठी आम्ही देणार हात, आम्ही देणार साथ। मेहनत, जिद्द आणि हुशारीनी जो करेल तुमच्या मनात घर, तुम्हा सर्वांच्या साथीनी तोच ठरेल महाराष्ट्राचा फेवरेट डान्सर। लॉरियल पॅरिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्ले सह प्रस्तुत महाराष्ट्राचा फेवरेट डान्सर, सोमवार आणि मंगळवार रात्री 9 वाजता सोनी मराठीवर। विणूया अतूट नाती। नाही जूते कैसे लगे? वैसे लाइफ में ना और भी ऑप्शंस होते हैं। अमेज़न पे तो है ना टॉप ब्रांड्स, बड़ी रेंज, 30 दिन भी है रिटर्न करने के लिए। जब इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन फैशन स्टोर में मिले टॉप ब्रांड्स और 30-day रिटर्न, तब दिल भी खुश, दिमाग भी खुश। A 104 Hollywood blockbusters are going to make your 52 Sundays matter 1 p.m. and 9 p.m. only on Sony Pix HD. Stay amazed. Batao tum kaun ho? Mera naam hai Kamal Thakur. Thakur ko main maut dunga. Agar tune Kamal Thakur se panga lene ki thaan li hai to samajh lene. कटमराइडू कल रात 9 बजे मैक्स HD और सोनी लिव ऐप पर। उत्तर भारत के हिल स्टेशन कसौली में एक UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे जाने की खबर मिली है। गौरतलब है कि दुनिया की कई स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस इस घटना को सही नहीं मान रही, क्योंकि दुनिया की किसी भी रडार स्टेशन या स्पेस में सैटेलाइट्स को UFO के सिग्नल्स नहीं मिले हैं। मगर UFO की कहानियां वैसी ही हैं जैसे भूतों के किस्से होते हैं, जिसने देखा वो विश्वास करता है और ना देखने वाले यकीन नहीं करते। कसौली में आज रात देखा गया UFO या उड़न तश्तरी जैसी चीज मई 2001 में बेंगलोर में भी देखी गई थी। UFO यानी उड़न तश्तरी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग देखने का दावा करते हैं, जिसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है लेकिन मानने वाले मानते हैं। ये जलती हुई घास और ये 3 खड्डे इस बात का सबूत हैं
वो जो स्पेसक्राफ्ट कल रात को कसौली के ऊपर से गुजरा था यहीं पर लैंड हुआ है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लगता यही है कि स्पेसक्राफ्ट यहीं उतरा था। दिस इज टेरिफिक। ये तो कमाल हो गया। यानी कि दूसरी दुनिया से आने वालों ने सारी दुनिया में से हमारे ही शहर को चुना है। अब अंदाजा लगाओ कि हमारा ये छोटा सा हिल स्टेशन कितना पॉपुलर हो जाएगा, कितना मशहूर हो जाएगा। मैं इस खुशी में 2 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान करता हूँ। ये सब क्या है? माल रोड पर मेला लगा है, सब दूसरी दुनिया के लोग बनकर घूम रहे। चल रोहित, तू भी कुछ बन जा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे रोहित सर, ये क्या कर रहा है तू? मार के आंखें और मुंह बना रहा हूँ। क्यों? मैं दूसरी दुनिया का आदमी बनके दोस्तों के साथ माल रोड जा रहा हूँ। दूसरी दुनिया का आदमी? तू कहीं नहीं जाएगा। क्यों? मेरे सब दोस्त जा रहे हैं वहाँ। सब में और हम में फर्क है। क्या फर्क है? बहस मत कर। पर मां मैं, मैंने कह दिया ना एक बार, तू नहीं जाएगा बस। अरे बाप रे, चलो 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 चलो। दूसरी दुनिया के लोग यानी कि एलियंस, ये क्या कह रहे हैं आप खान साहब? हरवंश, ये तो फैक्ट है कि स्पेसशिप उतरा था, तो ये भी फैक्ट हो सकता है कि उसमें से कोई बाहर आया। जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैंने पूरे एरिया का इंस्पेक्शन किया है। पैरों के निशानों से पता चलता है कि स्पेसशिप से कुछ एलियंस के पैरों के निशान जंगल की तरफ गए तो थे। उनमें से एक के पैरों के निशान स्पेसशिप की तरफ वापस नहीं आए। खान अंकल, अगर वो एलियन के ही पैरों के निशान है तो उसे पकड़ेंगे? ये तो इंसान के चांद पर जाने से भी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी। उससे यूनिवर्स के हजारों राज मालूम हो जाएंगे। लेकिन अगर वो खतरनाक हुआ तो उसे गोली मार देंगे। व्हाटएवर इट इज, जब तक ये बात पूरी तरह से प्रूव नहीं हो जाती, ये बात यहीं तक रहनी चाहिए। पूरे हिल स्टेशन में खुशी का माहौल है, खामखा पैनिक फैल जाएगा। ओके सर। कोई फायदा नहीं बुलाने का, मानी आने दे जी। तू जा बिट्टू। तू सीटी क्या बजा रहा है बार बार? एक बार बोला ना नहीं आ सकता? तू जा। रोहित, रोहित, तुम्हें पता है जंगल में एक एलियन रह गया है। एलियन क्या होता है? दूसरी दुनिया में रहने वालों को एलियन कहते हैं। वो दिखने में कैसा होता है? पता नहीं, जानवर की तरह भी हो सकता है और हमारी तरह भी हो सकता है। बिट्टू के जैसा भी हो सकता है। बिट्टू जैसा? हाँ, कल शाम मैं यहाँ बैठा था तो जंगल से एक बच्चा आया, मैं समझा बिट्टू है। मैंने उसे डांटा और ऐसे मड़का यहाँ फोड़ दिया और वो जंगल में भाग गया। मगर देखो, ये मड़का तो जुड़ा हुआ है। ये कोई और मटका होगा। नहीं, ये वही मटका है, इसमें मैंने आंखें और मुंह बनाया था, देखो। ओह माय गॉड, कहीं वो
एलियन तो नहीं था। चल जाके ढूंढते हैं। रोहित, जो मटका जोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो 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 चलो। रोहित, लगता है वो कोई बच्चा ही था। हाँ, चलो चलते। चलो। ऊपर से आए हो? लगता है ये वहीं से आया है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया तो पता नहीं क्या करेंगे, और अगर जंगल में रहा तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? हमको इसको छुपा के रखना होगा। चलोगे हमारे साथ? बनोगे हमारे दोस्त? जय हिंद सर। जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर। सुखवानी। मॉर्निंग सर। इन रोल्स को डेवलप और प्रिंट करवा के लेके आओ। जी सर। जल्दी। अरे सर जी, कमाल का काम किया आपने। क्या सोचा है? सच्ची बोलता हूँ, हमारे पुलिस की नौकरी का क्या भरोसा है? आज है कल नहीं है। ऊपर से आप जैसे ईमानदार अफसर के साथ में तो कुछ भी हो सकता है। क्या बकवास कर रहे हो सुखवानी? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ये जो आपने साइड बिजनेस शुरू किया ना, सच्ची बोलता हूँ, जब तक शादी ब्याह का सिस्टम चलता रहेगा ना, आपका धंधा जबरदस्त चलता रहेगा। सुखवानी, जो काम तुमसे कहा गया वो करो। अच्छा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर सुब्रमण्यम सर, मैं खान बात कर रहा हूँ। आपके कहने के मुताबिक मैंने उन पैरों के निशानों के फोटोग्राफ्स खींचे हैं और जल्द से जल्द आपके पास भिजवा दूंगा। सर, इस मामले में आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
क्या क्या हुआ? रोहित दरवाजा खोलो। अच्छा तुम आ गए। क्यों? एनी प्रॉब्लम? हाँ, ये बुरी तरह से चीख रहा था। लगता है इसे भूख लगी होगी। इतनी सारी चीज तो है, कुछ नहीं खाता। कुछ और खाता होगा। तुम क्या खाते हो? शीशा। लकड़ी, जाली, रोशनदान। नहीं रोहित, ये कुछ और कहना चाहता है। हवा, किरने, धूप। धूप? धूप। ये तो बोलता भी है। ये तो समझता हमारी बातें। इसका मतलब पावर्स होने के अलावा ये बहुत इंटेलिजेंट भी है। हाँ, मगर ये धूप कैसे खा सकता है? धूप कोई खाने वाली चीज थोड़ी है। हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। हो सकता है इन्हें धूप से शक्ति मिलती हो। रोहित देखो इसके सर पे। अरे रोहित, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? कुछ नहीं कर रहे माँ, कुछ नहीं कर रहे ना, कुछ नहीं कर रहे। अरे निशा, तुम कब आई? बस अभी आई आंटी। अच्छा, तो तुम भी नाश्ता कर लो। हाँ, तुम जाओ, तुम जाओ, हम आते हैं। नहीं बेटे, मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना ना, जल्दी आओ। ये पानी का जग यहाँ क्या कर रहा है? ले आना है रोहित। टोकरी के बाहर मत आना, हम अभी आते हैं। चलो। बाय निशा। बाय आंटी। रोहित नाश्ता पूरा करके उठना बेटे। हैला। ए बिट्टू, बॉल मिला कि नहीं? अरे नहीं यार, ऐसा सिक्सर मारा कि बॉल स्टेडियम के बाहर। अरे स्टेडियम के बाहर नहीं, आउट हाउस के अंदर है, वो देख। हाँ चल। हाँ चल। अरे यार कहाँ है बॉल? ए! ए! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित अंदर कोई है। अरे अंदर भूत है। नहीं नहीं बंदर है यार। हमारा बॉल उसके हाथ में। ए, तू बाहर क्यों आया? बोला था ना बाहर नहीं आने को। बॉल बॉल क्या कर रहा है? सब गड़बड़ कर दिया, देख सबको मालूम पड़ गया। ये कौन है रे? पहले तुम लोग प्रॉमिस करो कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहोगे। प्रॉमिस। ये मेरा फ्रेंड है, जैसे तुम लोग हो। वो जो स्पेसशिप उतरा था ना, ये उसी में आया था। स्पेसशिप तो चला गया और ये बेचारा यहीं रह गया। हेलो। पापर मैंने खाया, दो पापर तुमने खाया, अभी क्यों नजरे ना फेरो तुम, एरे हो एरे तुम। जादू।
कैसा है तमाशा, नहीं प्यार की है भाषा, अब कोई नहीं है निराशा। चुप हैं हम भी, चुप हो तुम भी, होती ही सब बातें फिर भी। अरे कैसा रे हुआ ये अजूबा, जादू 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 जादू। तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो? मोबाइल पर स्पेसशिप के ऊपर कोई नया जोक आया क्या? स्पेसशिप वाला किस्सा तो पुराना हो गया, हम तो नए होने वाले किस्से पे हंस रहे। निशा और रोहित के बच्चे नॉर्मल होंगे या एबनॉर्मल होंगे? रोहित और निशा के बच्चे? जैसे कि तुम्हें मालूम ही नहीं, निशा सारा दिन रोहित के साथ रहती है। राज, अभी वक्त है यार, डू समथिंग, वरना वो येड़ा तेरा पेड़ा खा जाएगा। हरबंस, उस एलियन का कुछ पता चला? नहीं कर्नल, लगता है इंस्पेक्टर खान को गलत फहमी हो गई थी, वरना अब तक उसके बारे में कुछ ना कुछ पता लग गया होता। दिस इज चेक एंड मेट। हे, कांग्रेचुलेशंस डैड, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? आपके बेटे ने शादी करने का फैसला कर लिया है। वेरी गुड, हु इज द लकी गर्ल? निशा अंकल। निशा? This is fantastic. ये तो कमाल हो गया भाई। Hey ladies, सुना तुमने? निशा और राज ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। सच? क्या कह रहे हो आप? ये तो बहुत खुशी की बात है, है ना इंदु? Congratulations रमा। Thank you. क्या हुआ? तुम लोगों को पता है निशा की शादी राज से होने वाली है? हला, तुझे कैसे मालूम? कल रात को मेरे मम्मी पापा क्लब गए थे, उन्होंने बताया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, निशा तो रोहित की गर्लफ्रेंड है। हाँ। चलो उसे चलकर बताते। हाँ, चलो चलो। निशा! ओ हाय निशा। तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कब हाँ कहा था? तो ना भी तो नहीं कहा था, और फिर हम दोनों के पेरेंट्स भी तो यही चाहते हैं। बात पेरेंट्स की नहीं है, झूठ बोलने की है। इसमें झूठ की क्या बात है? I like you and I know you like me. राज, लाइकिंग का मतलब ये नहीं कि हम दोनों शादी कर लें, और एनीवेज शादी करने के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। ओ, जो कुछ हो रहा है
उस हिसाब से तो हम जिंदगी भर एक दूसरे को नहीं जान सकेंगे। क्या हो रहा है? ओ कम ऑन निशा, आई एम नॉट ब्लडी ब्लाइंड। क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा रोहित का क्या चक्कर चल रहा है? हाँ, क्या बोला तुमने? मेरे और रोहित के बीच में चक्कर चल रहा है? ओके ऑल राइट देन, अगर चक्कर चल भी रहा है तो तुम्हें क्या? मैं किससे मिलती और किससे नहीं मेरी मर्जी, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? तुम उस पागल के लिए मेरी इंसल्ट कर रही हो? वो पागल नहीं है। ओह, लगता है तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जान गई हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से, उसे भी और तुम्हें भी। ये क्या टूटा यहाँ पर? हाँ क्या हुआ रोहित? रोहित, निशा की शादी हो रही है माँ, राज के साथ। अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है बेटे, हर लड़की की शादी होती है। पर निशा तो मेरी गर्लफ्रेंड है माँ। क्या निशा तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ। उसने प्यार से बात कर ली तो क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड हो गई? उसने खुद मुझे कहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसका बॉयफ्रेंड। उसने मजाक में कहा होगा बेटे, निशा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, वो तुझे अपना दोस्त बना सकती है, जीवन साथी नहीं। क्यों नहीं बना सकती? रोहित, रोहित तू बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू छोटा है, तू अपनी उम्र के लड़कों जैसा नहीं है रे। क्यों नहीं हूँ मैं दूसरे लड़कों जैसा? मैंने कुछ भी नहीं किया, पर ऐसे कैसे हो गया कि नीचे भी मुझे चढ़ के जा रही है? रोहित, सब कुछ ठीक होता अगर वो मनहूस स्पेसशिप ने दिखाई देता, तेरे पापा भी जिंदा होते और तू भी ऐसा ना होता। स्पेसशिप? पापा क्या हुआ था? मां एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त तो मेरे पेट में था। तू यहाँ क्या कर रहा है? रोहित, चल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हंस के जा, छुप जा और बाहर मत आना वरना पकड़ा जाएगा। जा जा जा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ठंडे पानी से आंखें धो ले बेटा, दिखाई देने लगेगा। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। ओफो, कभी बोलता दिखाई दे रहा है कभी बोलता दिखाई नहीं दे रहा है। जल्दी कर बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। कंप्यूटर का घंटा है, इसमें बड़ा टंटा है। रोहित तू रुक जा, रावण से छुप जा, देखेगा तो डांटेगा टन टनाटन। अब कैसे डांटेगा, अब तो मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ। अरे रोहित, तो चश्मा कहाँ है? घर बुलाया क्या? बुलाया नहीं, छोड़ा है। आज सुबह उठा, सब कुछ दिख रहा था। क्या बात करता है? और नहीं देखा। अच्छा एक मिनट, तू ये पढ़ के बता कि चतुर्वेदी सर ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं। If a turntable rotates through 720 degrees in 1 second,
How many rotations does it take in 1 minute? Boys, इसका आंसर लिखिए. ये आंसर किसने दिया? रोहित, तुमने 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम जबानी सॉल्व कर दिया? जी. अंदर आओ. ये तुम्हारा अंदाजा था या? क्या मेरा आंसर राइट था सर? एकदम राइट था, पर ये तुमने सॉल्व कैसे किया? पता नहीं सर, पढ़ते पढ़ते अपने आप आ गया. रोहित ने? आई कांट बिलीव इट. मैं भी बिलीव नहीं कर सकता सर, मगर फैक्ट यही है. कहाँ है रोहित? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारे बस का नहीं है कंप्यूटर, जाकर लोहारी या सुतारी सीखो. बार बार आ जाते हो और बार बार मुझे तुम्हें इंसल्ट करके बाहर निकालना पड़ता है. मिस्टर माथुर, स्टूडेंट से इस तरह बात करते हैं क्या? फादर, इस लड़के का IQ एकदम जीरो है. इसे किसी टीचर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है. आप खुद ही देख लीजिए. अच्छा बताओ, किसी पर्टिकुलर फाइल को खोले बगैर विंडो के एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी कैसे किया जाता है? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर क्लिक कीजिए. जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को उस फाइल पर ले जाकर राइट क्लिक कीजिए. फिर बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए. आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी सर. इट्स राइट. It's absolutely right. Yes. Hoila. Oh, how do you know this? आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख क्या? मैं अपने पापा से सीख क्या सर? आप तो एक टीचर हैं सर. आपके ऊपर हजारों बच्चों की जिम्मेदारी है. उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का बढ़ावा देना चाहिए सर. कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया. इसलिए जो दिमाग कर सकता है वो आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता सर. दुनिया में किसी आदमी को छोटा मत समझिए सर, क्योंकि हर छोटा कभी ना कभी बड़ा जरूर हो जाता है सर. मजा आ गया ना? देखा माथुर सर का मुंह कैसे उतर गया? लेकिन रोहित, तू एकदम से इतना होशियार कैसे हो गया? लेकिन एक ही गड़बड़े, अब तू भूल जाएगा ना हमें? बड़े बड़े नए दोस्त बनेंगे तेरे. शाह, ऐसा थोड़ी है. तुम लोग मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे. हाँ. ए रोहित, चल बॉल पास कर. ये क्या पास करेगा रे, जो अभी तक माँ का दूध पीता है? ऐसे क्या देख रहा रे? ताकत आ गई तेरे में. ए, यहाँ देख. रोहित, क्या फटका? हाँ यार. ओए, तेरे में तो ताकत भी आ गई यार. हाय ला, मसल्स. बाप रे. ओए, की डोले शोले. ओए देख. देख क्या रहा है? आजा, आजा, आजा. लगता तो मैंने माँ का दूध नहीं पिया. अगली बार पी के आना, जम के मुकाबला होएगा. उसे तड़पा के मारूंगा. कहाँ कैसे टपक पड़ा? अबे मेरे अंदर भूत की आत्मा है. खोपड़ी खोल दे इसकी. इसके इसकी चाल चीते की अगर दिलेरी शेर की है. अब मेरे कानों में सिर्फ उनके मरने की आवाज गूंजनी चाहिए. स्केच दूसरों की फोटो बनाता है. स्केच की फोटो बनाना इम्पॉसिबल है. स्केच 16 सितंबर रविवार रात 8 बजे मैक्स HD और सोनी लिव ऐप पर. तुम्हें ना रामपुर के स्पेशल पकोड़े खिला कर लाते. एसिडिटी लिक्विड. अब तो टाइम लगेगा. लो इनो. ये काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड्स में ताकि हर पल चलता रहे नॉन स्टॉप. इनो जियो लाइफ नॉन स्टॉप. काय घडतंय आपल्या आजूबाजूला? Thank you.
आजी दाखो मला पाऊट जमतोय कुठलं जमतोय जमतोय आपण सेल्फी काढूया मम्मा काकू या तुम्ही या ना इकडे असं करा असं सगळ्यांनी पाऊट करायचा लव स्टोरीज पण एका कुटुंबाची हम बने तुम बने सोमवार ते शनिवार रात्री 10 वाजता सोनी मराठीवर विणूया अतूट नाती हॅलो सर हॅलो हो गया हां जी सर मैं वही कर रहा था हां भेज रहा हूं ओके हां हेलो सर आपको चावल चाहिए नहीं 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 चाहिए मुझे यार नहीं नहीं राजी ओ इस पे देखोगे तो घंटी बजेगी उस पे देखोगे तो नहीं बजेगी Amazon Fire TV Stick बस प्लग करो और देखो अपने फेवरेट ऑनलाइन मूवीज और शोज वाईफाई से सीधे अपने बड़े टीवी पे Amazon Fire TV Stick फायर अप योर टीवी मुझे हर वक्त एक आवाज सुनाई देती है आजा किस तरह की आवाज आजा मैंने 2-3 आवाजें सुनी थी कुचा 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 एक आवाज मेरे जैसी थी और दूसरी शैतान 8 सितंबर शनिवार रात 8 बजे मैक्स HD और सोनी लिव ऐप पर मुझे यहाँ क्यों लाई हो तुम मुझसे नाराज हो हाँ क्यों क्योंकि तुम मेरी दोस्त नहीं हो राज के साथ जा रही हो मैं राज के साथ नहीं जा रही हूँ नहीं जा रही हो मैंने उसे मना कर दिया अच्छा किया मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं मुझे भी पसंद नहीं हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है ना हाँ पसंद भी मिलती है और हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते भी हैं इसलिए मैं तुम्हें समझाने आई हूँ हर लड़की को एक ना एक दिन जाना पड़ता है अपना घर बसाना पड़ता है ना हाँ वो तो है अच्छा बताओ तुमको किस टाइप का लड़का पसंद है मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए तुम ढूंढोगे मेरे लिए लड़का हाँ हमारी पसंद एक ही है ना तो जो मुझे पसंद होगा वो तुम्हें पसंद आएगा अच्छा बताओ कौन है तुम्हारी पसंद बंटी है बिट्टू असलम छोटू बहुत है रोहित ये सब तो बच्चे हैं और मैं तो बड़ा हूँ कितना मजा आएगा हम हमेशा साथ रहेंगे घूमेंगे फिरेंगे और सुबह शाम बॉर्नविटा पियेंगे रोहित शादी का मतलब बॉर्नविटा पीना नहीं होता है शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक ही जिम्मेदारी होती ना कि पति अपनी पत्नी को बहुत सारा प्यार करे सिर्फ प्यार के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती है रोहित हर लड़की चाहती है कि उसको एक ऐसा साथी मिले जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो फिजिकली स्ट्रांग नहीं हूँ पर मेंटली थोड़ा कमजोर हूँ ना नहीं मैं अकल का थोड़ा कच्चा हूँ पक जाऊंगा देखते जा अरे उन लोगों को मैंने ऐसी फाइट मार के कमाल ही हो गया और निशा वो तो मेरी टेबल से क्लीन बॉल हो गई और वो बॉल का तो मैं ऐसी किक मार के उड़ता ही गया ये सब तूने क्या ना जादू थैंक यू जादू नहीं माँ जादू मत माँ ये जादू है मेरा दोस्त है तू दूर हट जा माँ दोस्त के पास मत जा तू दूर हट जा ये क्या चीज़ है
मैं उसे स्पेशल पाया था ना, ये उसी में से है। क्या? मैं इसे जंगल से बचा कर लाया हूँ माँ, और तब से मेरे पास है माँ, ये बहुत अच्छा है माँ, ये बहुत अच्छा है। अच्छा है? पागल हो गया तू? ये एक पल भी आ नहीं रह सकता, मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ माँ, लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो माँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ छुपा के रखने की? लेकिन माँ, जिसने अपर इतना बड़ा एहसान किया उसे तो पुलिस के हवाले कर दोगी? एहसान? कैसा एहसान? मुझे देखो माँ, मुझे देखो, मेरी बात तो सुनो। ना मैं कुछ देखना चाहती हूँ, ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। हेलो मिसेस बेरा, मैं फादर रॉड्रिक्स बोल रहा हूँ। ये आपने क्या कर दिया है? रोहित तो बिल्कुल ही बदल गया है, सारा स्कूल उसकी नॉलेज और इंटेलिजेंस को देखकर हैरान हो रहा है। अब हमने डिसाइड किया है मिसेस बेरा कि रोहित को 10th स्टैंडर्ड में प्रमोट कर दें। आप सुन रही है ना? क्या हुआ ना? किसका फोन था? प्रिंसिपल का। तुझे वो 10th क्लास में प्रमोट कर रहे हैं इसलिए कि 10th के आगे उनके पास क्लास ही नहीं है माँ। मगर ये सब कैसे? ये सब जादू का जादू है माँ। मुझे देखो, हमें वो रोहित ही रहा। अरे तेरा चश्मा? मुझे सब दिखता है माँ, सब समझता भी हूँ। अब तो मैं समझा भी सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। डॉक्टर स्टीवन। हेलो। डॉक्टर सुब्रमण्यम। हेलो। डॉक्टर हाइंस। हेलो। एंड डॉक्टर फर्गुसन। हेलो। ऑल आर फ्रॉम स्पेस रिसर्च सेंटर सर। आई सी। जेंटलमैन, आरसीटी कलेक्टर मिस्टर सक्सेना। नाइस मीटिंग यू सर। सर, इंस्पेक्टर खान ने जो फोटोग्राफ भेजे थे उनको देखने के बाद ये प्रूव हो गया कि ये एलियन के ही फुटप्रिंट्स हैं। आगे रिसर्च करने के लिए हम लोग आए हैं। इसका मतलब है कि खान, तुम्हारा शक सही था। एक बात बताइए डॉक्टर, ये जो दूसरी दुनिया का प्राणी है, डेंजरस तो नहीं है? डेंजरस? आई डोंट थिंक सो। अगर डेंजरस होता तो अब तक कुछ ना कुछ जरूर करता, लेकिन कहीं से कोई रिपोर्ट अभी तक आया नहीं। इस खामोशी का ये मतलब भी तो हो सकता है कि शायद वो मर गया हो। हो सकता है, मगर उसकी लाश भी हमारे लिए बहुत कीमती होगी सर। उस एलियन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए मुझे सारा इलाका छानना पड़ेगा सर। उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यू हैव माई परमिशन। ए जादू, कैसा लग रहा? से बात नहीं करता, मेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं, नाचने गाने की। बता देना सबको। क्या रोहित हीरो बन के? हाँ दीदी, और उसने कहा कि अब मेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं, नाचने गाने की है। रियली? अरे वाह रोहित, ये क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस? हाँ, वो देखो, थोड़ा कच्चा हो ना, पक्का होने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना लोग तुम पे हंसेंगे। मुझ पे? लोग मुझ पे क्यों हंसेंगे? हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, मैं कच्चा रह गया तो लोग तुम पे हंसेंगे ना। Ladies and gentlemen, please give them a big hand. What a vibe. And our next participant is Rohit Mehra.
रोहित तुम डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हो? आना तो क्या, विश मी गुड लक। देखो रोहित, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। नहीं, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो। पर देखो रोहित, सब हंस रहे हैं, चलो लेट्स गो। नहीं नहीं होएगा, एक और टाइम। म्यूजिक चला दो। रोहित देखो, ये बच्चों का खेल नहीं है, चलो। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। एक और टाइम। म्यूजिक
जो कुछ भी सब खेल है। You were amazing. Oh, thank you. You were terrific. Oh, thank Good. You. क्यों? थोड़ा पक गया ना? तुम मुझे ये सब रोहित? ये तो शुरुआत है. आगे आगे देखो होता है क्या. के खेलने की चीज नहीं है, फट जाए ना तो हवा निकल जाती है। देखते हैं किसकी हवा निकलती है। मैच हो जाए। बहुत जोश में हूँ। वो तो मैच के बाद ही पता चलेगा बच्चू। अच्छा तो हो जाए। बेट क्या है? हीरो कप। हीरो कप के साथ साथ जो मैच जीतेगा निशा उसे किस करेगी। ऑलराइट ऑलराइट निशा प्लीज यू नीड टू किस मी। हम दोनों के बीच में बास्केटबॉल का मैच है और जो जीतेगा उसे तुम किस करोगी? What? मैं राज को कभी किस नहीं करूंगी। मुझे तो करोगी। तुम जीतोगे तब ना। बगैर टीम के मैच लगाया है, मुसीबत को बुलाया है, अब तू हारेगा, राज तुझे मारेगा, टन टना। क्यों? तुम लोग हो ना मेरी टीम। हम लोग? वो सब इतने लंबे लंबे और हम लोग इतने छोटे छोटे। हम लोग तो ठीक से जंप भी नहीं लगा सकते। ये दे। पत्नी दिया और पति बात ही होता है। सदा सुहागन रहो। हेलो सर, डोसा ठीक से नहीं बना इसलिए मेरे पर हाथ उठाया इसने। उसने उपमा में नमक नहीं डाला। अगर मैंने तेरी पत्नी को मार दिया तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? आदमी और औरत एक साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते। वो मत फेंकना। अनोखा रिश्ता आज रात 9 बजे मैक्स HD और सोनी लिव ऐप पर। घूमे ने तो क्या किया, तूने कहा का किया, तूने कहा का किया। मिल्टन कुछ नया सोचते हैं। गुडनेस ऑफ ऑलिव ऑयल अब रोज के घर के खाने में। बिल्कुल अपना ये ऑलिव एक्टिव, इसका स्पेशल साई फ्राई फॉर्मूला ऑलिव ऑयल और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ बनाए रोज का खाना और भी हेल्दी। ऑलिव एक्टिव, द अल्टीमेट कुकिंग ऑयल। आई मला पार्टीवर बारा खडी गिरवाल नाही शिकवू शकली, पण मी तिचं नाव लिहायला शिकवलंय तिला। बाबांच्या काटकसरीत माझ्या सहलीचा खर्च नाही बसला कधी, पण त्यांच्या आयुष्याचा जमा खर्च वाचायला शिकवलंय मी त्यांना। माझे आई बाबा चार बुक नाही शिकू शकले कधी, पण शिक्षणाचं महत्व शिकवलंय त्यांनी मला। मी शिकणार, मी फुलणार। मुलगी शिकली फुलराणी झाली, ती फुलराणी को पॉवर्ड बाय गार्नियर ब्लॅक नॅचरल्स। सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 सोनी मराठीवर। विणूया अतूट नाती। नाही जूते कैसे लगे? वैसे लाइफ में ना और भी ऑप्शंस होते हैं। अमेज़न पे तो है ना टॉप ब्रांड्स, बड़ी रेंज, 30 दिन भी है रिटर्न करने के लिए। जब इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन फैशन स्टोर में मिले टॉप ब्रांड्स ऑफ 30 डे रिटर्न, तब दिल भी खुश, दिमाग भी खुश। 3 सितंबर मैं आ रहा हूँ बगदाद अपने आका के साथ। ओह, 9 बजे। डी मोंटी कॉलोनी के बारे में सुना है? जो भी वहां गया
वो जिंदा बच नहीं पाया। वो मार देगा। कितनी बार कहा कि उस घर में नहीं जाते। डीमोंटी कॉफी कल दोपहर 1:30 बजे मैक्स एचडी और सोनी लिव ऐप पर। आज का ये मैच बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का मैच है, क्योंकि लास्ट टाइम के हीरो होना तब के विजेता कसौली टाइगर्स को चैलेंज किया है रोहित मेहरा और उसकी टीम ने, और इस टीम का नाम है पांडवास। प्लीज वेलकम पांडवास लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये पांडवास की टीम है कि पांडवास के बच्चे हैं? जादू हिलना मत। और ये रेफरी की सीटी के साथ ही मैच शुरू। मैं देख रहा हूं कि बॉल को उछाल दिया गया है। राज सक्सेना ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए बॉल को अपने खिलाड़ी की तरफ उछाल दिया है। खिलाड़ी पीछे गए, खिलाड़ी ने पास दिया, ड्रिबल करते हुए हाफ लाइन की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं और ये एक और पास, और इसके साथ ही मैं देख रहा हूं कि बॉल को उछाल दिया राज सक्सेना की तरफ। राज सक्सेना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों मैं क्या देख रहा हूं कि रोहित मेहरा ने बॉल को राज सक्सेना के हाथ से छीन लिया, टांगों के बीच में से बॉल को निकालते हुए ड्रिबल कर रहे हैं, डी की तरफ बढ़े और ये उछले और ये बास्केट। रेफरी की सीटी के साथ ही एक बार फिर से मैच शुरू। मैं देख रहा हूँ बॉल मॉन्टी ने राज सक्सेना को दिया और ये बॉल को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पास दिया लेकिन ये बीच में उछल कर रोहित मेहरा ने बॉल को छीन लिया और ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर से वही घटनाक्रम दोहराया जा रहा है दोस्तों और ये उछले रोहित मेहरा और ये एक बास्केट। भाई बहनों बहुत एक्साइटमेंट है, चारों तरफ तालियां बज रही है और ये स्कोर बोर्ड और आगे बढ़ा। मैच एक बार फिर से शुरू। बॉल को सॉलिड टाइगर्स के हाथ में, एक दूसरे को पास देते हुए बॉल उछली राज सक्सेना के हाथ में और ये उछले और ये रोहित मेहरा ने बीच में बॉल को उठा दिया से खिलाड़ी की तरफ। बॉल एक बार फिर से सॉलिड टाइगर्स और ये छीन ली रोहित मेहरा ने बॉल। भाई और बहनों बहुत एक्साइटमेंट बढ़ गई है, एक बार आगे बढ़ रहे और ये उछले और ये तीसरा बास्केट। कम ऑन गाइस, सब लोग रोहित को घेरो। हां अंडरस्टैंड? ओके गिव मी 5। यस। रेफरी की सीटी और ये मैच एक बार फिर से शुरू। बॉल कसौली टाइगर्स के हाथ में और मैं क्या देख रहा हूँ, कसौली टाइगर्स के कुछ खिलाड़ी रोहित मेहरा को घेर लिया, उनसे कुछ किया नहीं जा रहा और ये उछले राज सक्सेना और छोटे से खिलाड़ी के ऊपर से उछलते हुए डी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बास्केट। पहला स्कोर है कसौली टाइगर्स का और कसौली टाइगर्स के सपोर्टर्स बहुत ही खुश। नन्हे नन्हे बच्चों ने एक बार फिर से मैच को शुरू किया, एक दूसरे को पास देते हुए लेकिन रोहित मेहरा भी घेरे, उनसे कुछ किया नहीं जा रहा और नन्हे नन्हे बच्चों का बस नहीं चल रहा। कसौली टाइगर्स आगे बढ़े और ये राज सक्सेना ने उछल कर एक और बास्केट। राज सक्सेना और उसकी टीम बहुत खुश, बच्चे बहुत उदास। रोहित मेहरा अभी तक घिरे हुए कसौली टाइगर्स के बीच में और ये राज सक्सेना बॉल को लेकर आगे बढ़े। रोहित मेहरा ने आगे बढ़ने का प्रयास किया और ये मैं क्या देख रहा हूँ, रोहित मेहरा गिर गए। भाई और बहनों गिर गए या गिरा दिए गए, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए राज सक्सेना आगे बढ़े और एक और बास्केट। के पास पहुंच गए, वो चाहते हैं कि इसे फाउल करार दिया जाए लेकिन रेफरी उनकी बात से सहमत दिखाई नहीं दे रहे। खैर भाई और बहनों स्कोर 6-6 की बराबरी। मैच एक बार फिर से शुरू। नन्ना सा खिलाड़ी उछल रहा है और नन्हे से खिलाड़ी ने बॉल को उछाल दिया रोहित मेहरा के हाथ में, ड्रिबल कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से रोहित मेहरा ने बॉल को उछाल दिया नन्हे से खिलाड़ी की तरफ। वो उछल रहा है लेकिन मैं देख रहा हूं कि लंबे लंबे कसौली टाइगर के सामने उस नन्हे से खिलाड़ी का बस नहीं चल रहा और ये कसौली टाइगर आगे बढ़े और उछल कर ये गोल बास्केट। ये क्या हो रहा है, तुम लोग उड़ क्यों नहीं रहे हो? हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं पर उड़ नहीं पा रहे। मैच अचानक तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। कसौली टाइगर्स का आक्रमण लगातार तीव्र होता हुआ। राज सक्सेना एक बार फिर से आगे बढ़े और ये एक और बास्केट। स्कोर बोर्ड लगातार आगे बढ़ता हुआ, बास्केट पे बास्केट होती चली जा रही है और ये एक और बास्केट। भाई और बहनों ऐसा लग रहा है जैसे राज सक्सेना उसके साथ ही बच्चों के साथ खिलवाड़ सा कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ बच्चे उछल उछल कर बॉल पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये खड़े खड़े राज सक्सेना ने एक और बास्केट डाल दी। ऐसा लग रहा है जैसे ये मैच ना हो, कसौली टाइगर्स ने शायद पांडवास को अपनी प्रैक्टिस के लिए बुलाया हो और ये और बास्केट। एक्साइटमेंट बहुत बढ़ चुका है कसौली टाइगर्स के सपोर्टर्स में और मैं देख रहा हूं कि रेफरी की विसल के साथ हाफ टाइम। जादू जादू ये क्या हो रहा है जादू, हम ठीक से उड़ क्यों नहीं पा रहे? धूप जादू की शक्ति धूप से, जब तक सूरज की किरणें उस पर ना पड़े वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब धूप ना हो तो जादू कुछ नहीं कर सकता, तो आप क्या करें? हे कृष्ण भगवान,
आज अपनी बंसी बजा दे। और मैच रेफरी की इस विसल के साथ ही एक बार फिर से हीरो कप मैच के सेकंड हाफ का ये खेल बॉल उछाल दी गई है। बॉल एक बार फिर से कसौली टाइगर्स के हाथ में, कसौली टाइगर्स के खिलाड़ी ने दूसरे को पास दिया। आगे बढ़ते हुए बॉल एक बार फिर से राज सक्सेना के हाथ में और ये आगे बढ़े और ये बॉल हिट होते होते बच गई दोस्तों। और देखने वाले भी बहुत अचंभित से दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से शुरू। बॉल कसौली टाइगर्स के हाथ में, राज सक्सेना बॉल लेकर आगे बढ़ रही है। राज सक्सेना ने पास दिया और ये तीन तीन नन्हे खिलाड़ी हवा में उछले बॉल को पकड़ा, हवा में उछाला और ये रोहित मेहरा हवा में खुद उछले और ये बॉल को डाला बास्केट में। आगे बढ़ रहे हैं, बॉल को एक दूसरे को पास देते हुए घेरते हुए आगे चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ये मुझे इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए बहुत ज्यादा नीचे नहीं देखना पड़ रहा, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। भाई और बहनों तो आगे गिर रहे हैं और बच्चे हैं कि हवा से नीचे नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा ये मैच में रोड हो रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ, नन्हे नन्हे बच्चे लंबे लंबे बच्चों की खिंचाई कर रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, ये मैच का रुख किस तरह से बदलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। और बहुत एक्साइटिंग मैच होता चला जा रहा है। मुझे लगता है नन्हे नन्हे बच्चे कसौली टाइगर्स को हरा हरा के नहीं बल्कि थका थका के मारेंगे। राज सक्सेना थक गए और बच्चों ने हंस के एक और बास्केट खेला। बच्चे कहे कि बहनों और भाइयों ये तो सबके बाप निकले। मैं देख रहा हूं लगातार बास्केट में बास्केट होती चली जा रही है और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ आखिरी 25 सेकंड का ये मैच बाकी बचा है और स्कोर है पांडवास 48 पर, कसौली टाइगर्स 49 पर। अब देखना यह है कि आज ये हीरो कप कौन सी टीम जीत कर यहां से जाती है। एक बार फिर से मैच शुरू। बॉल कसौली टाइगर्स के हाथ में, बॉल पर पकड़ मजबूत, संभल संभल के एक दूसरे को पास दे रहे हैं, कुछ डरे डरे दिखाई दे रहे हैं लेकिन बॉल को छोड़ नहीं रहे। और ये बॉल राज सक्सेना के हाथ में, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने ये बॉल को बास्केट की तरफ उछाल दिया लेकिन बीच में रन मैन ने बॉल को पकड़ लिया है। मैं देख रहा हूं कि एक तरफ ये कसौली टाइगर्स गर्दन झुका के खड़े हैं और छोटे छोटे पांडवाज सर उठा के हीरो कप लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रोहित मेहरा को ये हीरो कप दिया जा रहा है, जोरदार तालियां। पांडवाज ने हीरो कप के साथ साथ बहनों भाइयों एक और इनाम भी जीता है, हीरो होंडा मोटरबाइक। सभी नहीं, अभी एक और जीत बाकी। हीरो का होंडा लाओ, लेट्स गो। I can't believe this. ये साले बच्चे उन्हें कैसे लग गए? कुछ चक्कर तो जरूर है, इन बच्चों से पता करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो हरबंस? ठीक ही कह रहा हूं यार, ये दोस्ती में बदनाम हो गया है मेरा बेटा। He is becoming laughing stock for everybody. और ये सब कुछ तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। मैं समझता हूँ हरबंस, मैंने निशा को बहुत समझाया लेकिन What do you mean, है? तुम्हारा मतलब है कि अगर निशा रोहित से शादी करना चाहेगी, ये जानते हुए भी कि रोहित पागल है, तुम अपनी बेटी का हाथ उस पागल के हाथ में दे दोगे? सिर्फ पागल बोलने से काम नहीं चलेगा अंकल,
क्योंकि पागल बोलने से ये पता नहीं चलता कि पागल किस किस्म का पागल है और उसका पागलपन जो है वो पागलपन की कौन सी कैटेगरी में आता है। मिसाल के तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया पागलपन है, मेगलोमेनिया पागलपन है, ऑब्सेशन पागलपन है, साइकोपैथी पागलपन है, मेंटल इंबैलेंस पागलपन है और पागलपन भी पागलपन है। और पागलपन की कोई लिमिट नहीं होती। मैड डिड क्रेजी इनसेन भी पागलों के नाम है और क्रैक को गुड्डे में डीरेंज भी पागल है। कुछ पागल ऐसे होते जिनका पागलपन दुनिया को लगता है कि पागलपन है लेकिन वो पागल नहीं होते, और कुछ पागल वो होते जो सचमुच पागल होते हैं लेकिन उनका पागलपन दिखाई नहीं देता। इन शॉर्ट दिस इज स्मॉल समरी ऑन पागलपन। अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन प्लीज प्लीज। आंटी आई लव बॉम्बिटा, थैंक यू। यस हां, तो मैं ये कह रहा था कि पागलपन की बहुत सी किस्में हैं। नर्वस होके पाव हिलाना भी एक किस्म का पागलपन है। और आप लोग कहते कि मैं पागल हूं। यस आई एम मैड, क्योंकि मैं आपकी बेटी के प्यार में पागल हूं। आई एम मैडली इन लव विद निशा। हाय लव, एक बहाना छुलिया 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 है, प्यार था ये पुराना, कह दिया कह दिया कह दिया। Oh,
पुराने, चाहे दिन हो चाहे रात, यूं ही बैठे करें बातें, प्यार हमने बस में कर लिया। तरस गई रे, फिर कोई घटा बरस गई रे, हुआ हुआ तूने छुआ, मैं तो मर गई रे, बेखुदी में क्या ये कर गई रे, फिर कोई घटा बरस गई रे। रुक क्यों गए? उस दिन तो बहुत कूद रहे थे, आज फिर हमारे ऊपर से कूद के जाओ। नीचे क्या देखता है? क्या है इस बैग में? भागो! सूरज जल गया है, जादू को बचाना होगा। एक बैग में क्या है?
जाओ। लेकिन जादू तुम भागे कैसे? भागा। अरे आज तो बच गए, तूने तो कमाल कर दिया रे। क्या हुआ रोहित? माफिया जादू यहाँ है ना अंदर? रोहित क्या हुआ? इंस्पेक्टर खान जिस तरह मुझे देख रहा था मां, लगता है उसे मुझ पर शक हो गया। हमें जादू को कहीं और छुपाना होगा मां। मेरे घर पे छुपाते, मेरे मम्मी डैडी बाहर गए हुए। नहीं, मेरा घर ठीक रहेगा। कोई सोचेगा भी नहीं कि जादू कलेक्टर के दोस्त के घर में हो सकता है। लेकिन इस तरह से कब तक छुपाए रखोगे? कभी न कभी तो पकड़ा ही जाएगा ना। नहीं, मैं जादू को लेकर किसी और शहर में चला जाऊंगा। एक बार पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी तो जादू को दुनिया में कहीं भी नहीं छुपा सकोगे रोहित। तो फिर क्या करें मां? इसकी जान बचाने का एक ही रास्ता है रोहित, कि ये जहां से आया है वहीं वापस भेज दिया जाए। नहीं मां, जादू से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। जब तक मैं हूं कोई से हाथ भी नहीं लगा सकता। रोहित, आंटी ठीक कह रही है, तुम अकेले सारी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। जादू नहीं चाहेगा। जादू, बिछड़ने का दुख तो सबको होगा, मगर तेरे जाने में ही तेरी भलाई है। जादू जाएगा, जादू नहीं जाएगा। क्या मतलब? इसका मतलब इसके साथ वो सारी शक्ति भी चली जाएगी जो उसने मुझे दी। तू मेरी फिक्र मत कर जादू, मैं पहले जैसा था फिर वैसे ही जी लूंगा। रोहित जा बेटा, कहीं कहीं वक्त ना निकल जाए। हम तुझे मिस करेंगे जादू। क्या हुआ रोहित? जवाब नहीं आ रहा। रोहित, हमें पता है कि दूसरी दुनिया से आया हुआ एलियन तुम्हारे पास है, उसे हमारे हवाले कर दो। हमने चारों तरफ से तुम्हारे घर को घेर लिया है। हम दस्ता गिनेंगे, अगर तुमने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुम्हारे घर पर हमला कर देंगे। एक, दो। जादू, कुछ जादू करना।
रोहित, इसे हमारे हवाले कर दो। कभी नहीं। हमें मजबूर मत करो, नहीं तो हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आपको जो करने कर लीजिए, मैं इसे आपके हवाले नहीं करने वाला। छीन लो इससे। कसौली बेस में खान बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत जल्द वहां पहुंच रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा जादू। रोहित, रोहित, नहीं छोड़ूंगा। माँ, जादू कहाँ है? माँ, वो जादू को ले गए। कहाँ ले गए? मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने ऐसा प्यार, ऐसी दोस्ती कहीं नहीं देखा है। वो तुम्हारे दोस्त को दिल्ली से अमेरिका ले जा रहे हैं। रोहित, अगर तुम्हें जादू के एहसानों का बदला चुकाना है तो यही वक्त है बेटे, जा और इसे बचाकर ये साबित कर दे कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। जा रोहित।
सपना रहा कि मेरा पति कैसा होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, बाहर की पर्सनालिटी कड़क पर अंदर से बिल्कुल नरम। वो लड़की बात क्या, तुझे घास भी नहीं डालेगी। जा बे, गुंडों की तरह पीछा करके हमेशा परेशान क्यों करते रहते हो? मामला फिलअप हो गया। स्टार्ट ऐसे ही होता है। एक्सक्यूज मी, सीने में अंगार लगा डाले। स्केच 16 सितंबर रविवार रात 8 बजे मैक्स एचडी और सोनी लिव ऐप पर। देखो मम्मी को, बच्चा बच्चा आ करो आ करो आ आ आ आ आ आ। अच्छा सुनो, वो थोड़ी कुकीज़ ना तुम घर पे ले आना। हाईएस्ट क्वालिटी वीडियो कॉलिंग के साथ जब चाहे मिलो और गूगल डुओ। गुडनेस ऑफ ऑलिव ऑयल अब रोज के घर के खाने में। बिल्कुल अपना ये ऑलिव एक्टिव, इसका स्पेशल साई फ्राई फॉर्मूला ऑलिव ऑयल और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ बनाए रोज का खाना और भी हेल्दी। ऑलिव एक्टिव, द अल्टीमेट कुकिंग ऑयल। दिला मी आवडतो मला दुसरीच कुणी, साला एक सरळ लाईन त्याला बनणं। को पॉवर्ड बाय लॉरियल पॅरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्ले, सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 7:30 सोनी मराठीवर। विणूया अतूट नाती। नाही जूते कैसे लगे? वैसे लाइफ में ना और भी ऑप्शंस होते हैं। अमेज़न पे तो है ना टॉप ब्रांड्स, बड़ी रेंज, 30 दिन भी है रिटर्न करने के लिए। जब इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन फैशन स्टोर में मिले टॉप ब्रांड्स ऑफ 30 डे रिटर्न, तब दिल भी खुश, दिमाग भी खुश। तुम्हें ना रामपुर के स्पेशल पकौड़े खिला कर लाते। एसिडिटी लिक्विड, अब तो टाइम लगेगा। लो इनो, ये काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड्स में, ताकि हर पल चलता रहे नॉन स्टॉप। इनो जियो लाइफ नॉन स्टॉप। I am here because of Arthur Frobisher. 5,000 of his employees lost their life savings as a result of his action. To stay at the top, you win at any cost. We are engaging in a battle with a man who will stop at nothing to preserve his fortune. And when you're in it to win, you don't always play nice. She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square. Television's most compelling drama series, Damages. शर्मा और उसके बच्चे को जयलक्ष्मी ने बुरी तरह नदी किनारे मार डाला था। यह है शर्मा और जयलक्ष्मी। पता नहीं वो शैतानी खूबसूरती और कितने लोगों की बलि लेगी। इतने जन्मों से मुझे तेरा ही इंतजार था। शैतान 8 सितंबर शनिवार रात 8 बजे मैक्स एचडी और सोनी लिव ऐप पर।
सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रीति सोमपुरा जी न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट कसौली टाउन से रिपोर्ट कर रही हूं, जहां विशेष अदालत ने कल इस बुनियाद पर रोहित मेहरा को बरी कर दिया कि वो दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं है। आज यहां कसौली टाउन की जनता रोहित मेहरा का सत्कार करने के लिए जमा हुई है, क्योंकि रोहित मेहरा ने उस एलियन को जिसे वो अपना दोस्त मानता है उसको अपनी दुनिया में वापस भेज कर इंसानियत और दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की है। आइए हम सब भी मिलकर रोहित मेहरा का सत्कार करते हैं। देखो कितना बड़ा आदमी बन गया। थैंक यू, थैंक यू। मिस यू जादू। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। जादू अपनी दिव्य शक्ति वापस ले गया, मगर मेरा प्यार तो नहीं ले गया ना। hey, बड़ा हीरो बन रहा था ना। अबे देख क्या रहा है, जिसके भरोसे तो उड़ रहा था वो तो गया, अब बॉल पास करके दिखा। चलो रोहित, कम ऑन। हाँ ले जा ले जा, अपनी चूड़ियां भी पहना देना इसे। देखो रोहित, बॉल उठते चले जा रहे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो देखो पंख, पंख। मुझे कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। लगता है जादू ने तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस दे दी। वो देखो वो। थैंक यू।
थैंक यू जादू, थैंक यू जादू।